सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर माई कैरियर मोड। तो गाइज आज हम खेलने वाले हैं T20 चैम्पियंस ट्रॉफी। तो गाइज चैम्पियंस ट्रॉफी तो आपको पता होगा इंडिया के लिए वो लास्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी था जो कि MS धोनी ने जीता के मतलब गए थे। उसके बाद 10 साल हो गए हैं हम कोई ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन जो आ रहा है ना ODI वर्ल्ड कप वो हमारा है, ये हमें पता है और वो कॉन्फिडेंस भी है हमें। तो आज हम खेलेंगे हमारा मतलब जो T20 में भी डेब्यू होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी बजा देना। हम बहुत ज़्यादा करीब है 600 सब्सक्राइबर्स के, जल्द से करवा दो खुशी मिलेगा ना। तो हमारा मैच है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, तो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें एक कैप मिलते हुए T20 का, वो तो हमें 5 ओवर का मिल गया था वो ठीक है, और टेस्ट का भी मिल गया है। टेस्ट तो बहुत बेकार गया। तो गाइस उन्होंने हमें 20 ओवर्स में 158 रन का टारगेट दिया है, तो देखते हैं होता है या नहीं। तो हम तो ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ। तो हाँ यहाँ पर हम चल के जा रहे हैं, ये हमारा T20 डेब्यू है ना, तो ठीक है। तो 62 का एवरेज, 150 आया है, बस इतना ही और क्या। तो शुरू करते हैं, मारेंगे और क्या। यहाँ पर गैप है और चौका मिल जाएगा, हाँ मिल गया, नहीं 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 मिला, अच्छा मिल गया। मतलब ये आउटफील्ड थोड़ा बेकार है, बहुत स्लो हो जा रहा है बॉल लास्ट में। तो हमारे फर्स्ट बॉल में T20 का हमें पहला चौका मिल गया है, तो ये बॉल मैं डिफेंस करूँगा क्योंकि मुझे पता है ये बॉल को मतलब ये आड़ा धड़ा मारने जाएगा और फिर आउट हो जाएगा, फिर सारा ख़त्म। इसको मारते हैं यहाँ पर, चला जा, ओके दूसरा चौका मिल गया है हमें। तो सोच रहा हूँ T20 डेब्यू है तो 150 या फिर 100 तो मारूँगा ही, देखते हैं क्या होता है, मार पाते हैं नहीं। 3 बॉल में 8 रन तो हो गया, तो इससे लोफ्टेड मारते हैं। ओके गुड टाइमिंग हुआ है, चौका चला जाएगा। ओके चौका चला गया। तो इस हमें 2.3 ओवर में जाकर बैटिंग मिला है और ये थोड़ा बैकफुट वाला बॉल था, बाउंसर टाइप था, तो मैंने सिर्फ डॉट ही खेल दिया। इसको मारते हैं, अबे इतना आउट स्विंग कैसे हो गया अबे। तो फिर इसे मारते हैं, ओके परफेक्ट 6। लास्ट बॉल में हमें 6 मिल ही गया, वो जो बीट हो गया था ना उसका पे बैक कर दिया मैं इस 6 के साथ। तो इस हमें 4th ओवर मिल गया है बैटिंग में, यहाँ पर मारते हैं, ओके परफेक्ट हुआ है, चौका चला जाएगा मुझे लगता है, हाँ चौका चला गया। तो हम पहुँच गए हैं 23 में, कितना बॉल में, 8 या 9 बॉल में 23। तो एक और मारते हैं गैप में यहाँ पर, और ये भी परफेक्ट है, ये भी चौका। जो फील्ड है ना वो ये मतलब फील्ड के अनुसार बॉलिंग नहीं कर रहे, इसीलिए इतना ज़्यादा चौके खा रहे हैं, और मैं वैसे भी तो प्रो ही हूँ। तो ये बाउंसर है, चला जा, ओके चला गया चौका, हाँ चौका बाउंसर था, मुझे लगा यहाँ पर जाएगा तो आउट हो जाए, लेकिन उसके ऊपर चला गया, जो 30 यार्ड के अंदर में जो फील्डर्स होते हैं ना उसके ऊपर से चला गया, इसीलिए चौका मिल गया। तो 3 चौके तो हम मार दिए हैं, इसको भी मारे क्या, मारते हैं, चला जाएगा तो अच्छा ही है, वो लेट हो गया है फिर भी चौका ही चला जाएगा, बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, 2 लेट तो नहीं हुआ लेकिन मेरे हिसाब से इतना लेट नहीं हुआ। तो आखिरी बॉल है, ख़त्म भी बाउंड्री के साथ ही करते हैं। अर्ली हुआ है चौका, हाँ चौका मिल गया, ठीक है लास्ट बॉल में भी हमें चौका मिल गया, 5
चौके इस ओवर में आ गए हैं, 20 रन और एक सिंगल भी है ना, सिंगल नहीं है मुझे नहीं पता। तो स्पिनर आया है, इसको डिफेंसिव खेलते हैं पहले, कहाँ पर मारा जा सकता है, पीछे ही मारते हैं, अरे नहीं ये तो आउट हो गया, सिंगल ले लेते हैं। ऐसे भी तो हम 39 पे ना। तो गाइस ये पावर प्ले का लास्ट ओवर है, तो इसमें जो भी मारना होगा हमें मारना होगा, उसके बाद फील्ड खुल जाएगा, उसके बाद तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा मारना। तो यहाँ पर एक ट्राई करते हैं, चला जा प्लीज चला जा, ओके चौका मिल गया, चला गया, अर्ली हो गया था फिर भी चला गया, कितना स्लो बॉल डाल रहा है भाई, मुझे लगा परफेक्ट होगा। हाँ ये हुआ, ओ भाई क्या शॉट था, स्टेप आउट करके सिक्स, और हमारा फर्स्ट हाफ सेंचुरी हो गया है मतलब T20 में, 19 बॉल में 51 रन, 2 छक्के और 9 चौके। तो अभी भी ये फील्ड रखा है, तो यहाँ पर मारते हैं और एक छक्का, 2 बॉल 2 सिक्स। तो देखते हैं 100 के लिए हो जाए तो, हो सकता है तो हो जाएगा, और क्या। अबे क्या आउट हो गया, मुझे तो नहीं लगता आउट है, पैर के पास था ना बॉल, आउट है लगता है, आउट लगता है। छे भाई मैं क्यों मारने के लिए, ये जो ये शॉट जो मारता है ना, मतलब बाहर आकर क्या बोलो, ओ वाह पिच, मैंने ये अंपायर को और क्या बोला सर, मतलब सारे अंपायर्स कॉल कैसे हो सकते हैं, मर जा भाई तू मर जा, पैसा खा के अंपायरिंग कर रहे हैं। और गाइस हम मैच जीत गए, लेकिन मैन ऑफ द मैच में लगता तो है, हाँ मैं ही हूँ मैन ऑफ द मैच, तो फर्स्ट डेब्यू में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया है, अच्छा तो लग रहा है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।